हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नोलॉजी शुरू करने से पहले आप लोग को बता देता हूँ कि बस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मेरे एक टेक्नोलॉजी में 8,500 से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक किया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो बस वीडियो को ऐसे लाइक करिए, कमेंट कर लिए, ये एक मोटिवेशन फील होता है मुझे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से और आज की टेक्नोलॉजी वो शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं और यहाँ पे शुरुआत करते हैं फेसबुक से। हम सभी लोगों को पता है कि काफी दिनों से यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ पे फेसबुक ने बताया कि यूजर के डेटा को जो वो ब्रीच किया है, लगभग से जो कि कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 50 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के डेटा को ब्रीच किया है, यूज किया है बिना यूजर्स के परमिशन के। इसके ऊपर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बवाल हो गया था और बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि फेसबुक उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करे। फाइनली यहाँ पे फेसबुक ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है और यूएस के बड़े बड़े जो न्यूज पेपर थे उसके अंदर फ्रंट में हेडलाइन में फेसबुक ने एक एड दिया है, जिसके अंदर फेसबुक ने ओपनली माफी मांगा और ये कहा कि हाँ हमारे से गलती हुई है और ये चीज जो हुई है इसके ऊपर हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ है और हमने बहुत बड़ा एक्शन भी लिया है। कुछ चीजों को हमने यहाँ पे कुछ लोगों को फायर्ड भी किया है, बहुत चीजों के साथ में हमने टाइप खत्म किया है। और यहाँ पे फाइनली ऐसे जो भी एप्लीकेशन होंगे जो ऐसे डेटा को लेते हैं हमारे फेसबुक से, हम ऐसे चीजों को भी जो वो बंद कर देंगे। फाइनली फेसबुक ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड करके बोल दिया कि उनकी गलती है और उन्होंने यहाँ पे ऐसा किया था। तो खैर जो गलती हुई है अब तो हो चुकी है, वो तो वापस नहीं हो सकती, फेसबुक ने एक्सेप्ट भी किया। ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस चीज को एक्सेप्ट करना है। और साथ में यहाँ पे एक और फ्रेश कंट्रोवर्सी जो वो फेसबुक के ऊपर आ गई है, कुछ लोगों ने यहाँ पे ये बताया कि बहुत सालों से यहाँ पे फेसबुक हमारे कॉल्स और टेक्स्ट को भी जो वो शेयर करता है। जी हाँ, यहाँ तक कि आपके जितने नंबर से आप बात कर रहे हैं जिसका नाम है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे फेसबुक जो वो शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे मैसेंजर के फेसबुक के एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है डेटा कलेक्शन का, वो ऑन रहता है। अगर आप उसको ऑफ करेंगे तो ये डेटा आपके जो वो शेयर नहीं होगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्सी अब रिसेंटली उठी थी, फेसबुक तक पहुंची, फेसबुक ने फटाफट से इस पे रिस्पॉन्ड कर दिया और कहा कि आपके पास खुद के पास वो ऑप्शन होता है, अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो वो हमारे भी आपके कॉल्स और टेक्स्ट के डेटा हम शेयर नहीं करेंगे। रीजन ये बताया फेसबुक ने कि हम कोई थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे ये चीजें, बल्कि हम इसलिए लेते हैं ताकि हम इससे और ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज कर सके, और भी ज्यादा जानकारी हमको मिलते, हम उसके फीडबैक पे और भी जो वो काम करते हैं। तो ये कुछ फेसबुक ने इस पे रीजन दिया। तो ये फ्रेश कंट्रोवर्सी रिसेंटली उठी थी जिसपे फेसबुक ने तुरंत ही जो वो रिप्लाई दे दिया। तो यहाँ पे एप्पल की तरफ से खबर है और बताया जा रहा है कि एप्पल अपना एक फोल्डेबल आईफोन पे काम कर रहा है और ये स्मार्टफोन हमें बहुत जल्दी नहीं बल्कि हमें 2020 के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है। और आपको बता देता हूं कि ZTE एक ऐसी पहली कंपनी जिन्होंने अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाया था और उसको अवेलेबल भी किया था, और कुछ जगहों पे ये स्मार्टफोन अभी भी चल रहा है, यानी कि फोल्डेबल स्मार्टफोन, डुअल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन आपको मिलता है। उसके बाद सैमसंग ने भी अनाउंस किया था कि वो इस तरीके का कुछ फोन बनाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और लेनोवो ने भी कुछ इस तरीके की अनाउंसमेंट की थी। अब यहाँ पे एप्पल ने भी बता दिया, एक सोर्स की तरफ से खबर आ रही है कि एप्पल भी इस तरीके के स्मार्टफोन पे काम कर रहा है जो कि फोल्डेबल आईफोन होगा, जिसके अंदर हम सभी लोगों को ओएलईडी की स्क्रीन देखने को मिलेगी। और ये स्मार्टफोन अभी प्रोडक्शन में जाएगा, लेकिन आते आते इसको 2020 हो जाएगा। तो देख लेते कि एप्पल अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन कितना जल्दी लेके आता है और इस बार किसकी प्राइसिंग जो वो क्या होती है। तो यहाँ पे हम सभी लोग जो वो इंडिया के अंदर नमो एप्लीकेशन यूज करते हो, कि मेजोरिटी ऑफ द लोग यूज करते हैं, जहां पे नरेंद्र मोदी जी का ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ये अब एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में आ चुका है, जहां पे फ्रेंच के एक विजिलेंट हैकर है वो ये बता रहे हैं कि जो नमो एप्लीकेशन है इसके अंदर सारे जो यूजर्स एक्टिव है उनके सारे के सारे डेटा को थर्ड पार्टी कंपनी के साथ में शेयर किया जा रहा है बिना यूजर की परमिशन के और बिना यूजर के जाने। ये एक कंपनी है यूएस के अंदर जो कि क्लेवर टैप के नाम से जानी जाती है, उसके साथ में इस एप्लीकेशन के जो यूजर्स है वो सारे डेटा वहां पे शेयर हो रहा है। और इसके अंदर जो लिंक जो शेयर की जा रही है वो जी डैडी वाली लिंक है, इस लिंक से जरिए वो शेयर हो रहा है उस कंपनी को। हालांकि ये लिंक को जो वो फिशिंग ठहरा दिया गया है, जो कि होस्ट इसको जो कर रही है वो गो डैडी कर रही है, जहां पे इसके अंदर भी फिशिंग वाली लिंक, इसका मतलब ये होती है कि वो एकदम से रिस्क पे होती है, जिसके अंदर आपके सारे डेटा और कुछ भी यहां पे जो वो शेयर किए जाते हैं बिना परमिशन के। अब ये उन्होंने सबूत के साथ में ट्विटर के ऊपर बताया, जो ये बहुत ही बड़ी बात है और इसके ऊपर बहुत ही बड़ा इशू यहां पे आ चुका है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल एप्लीकेशन जो हमारे डेटा को थर्ड पार्टी में शेयर कर रहा है बिना हमारी परमिशन के, और क्यों कर रहा है ये भी हमें नहीं पता। तो देख लेते कि इसके ऊपर कितना जल्दी स्टेटमेंट आता है, और ये बहुत ही बुरी चीज हो रही है कि कहीं कहीं ऐसे ऐसे एप्लीकेशन पड़े हमें नहीं पता कि हमारे डेटा कहां पे शेयर हो रहे हैं। अब तो इतना बुरा हो गया कि हमें डर लगता है कि कोई जेन्युइन एप्लीकेशन भी, जैसे कि व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो हमें डर लगता है कि इसके अंदर भी हमारे जो वो डेटा शेयर हो रहे हैं। यहां पे सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर है, जो बताया जा रहा है कि सैमसंग एक ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो एक पेटेंट सैमसंग ने फाइल किया, फिलहाल के लिए सामने नहीं आई है, लेकिन यहां पे कुछ अंदरूनी खबर आ रही है वीपो की तरफ से। उन्होंने यह कहा कि सैमसंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो कि OTA के जरिए काम होगा, यानी कि ओवर द एयर। अगर वायरलेस चार्जिंग अगर आप रिसेंटली करते हैं, एक चार्जिंग डॉक होता है, आप अपने फोन को उस पर अटैच कर लेते हैं, हालांकि वो चार्जिंग डॉक तो फ्यूज सॉकेट में तो लगा ही रहता है, लेकिन आप अपने फोन को बस उस पर अटैच कर लेते हैं और वो चार्ज हो जाता है। लेकिन ओवर द एयर वायरलेस चार्जिंग क्या होता है कि आप अपने फोन में पॉकेट फोन को पॉकेट में रख दो या किसी एक एनवायरमेंट में, एक रूम में चले जाओ जहां पे वो डिवाइस होगा,
वो रूम में घुसते ही आपका फोन ऑटोमेटिकली जो वो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये कुछ टेक्नोलॉजी पे सैमसंग यहाँ पे काम कर रहा है। वो डिवाइस ऐसा होगा कि आप उस एनवायरनमेंट में लगा हुआ रहेगा, उसकी कुछ रेंज होगी, अपने फोन को आप लेके जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आपके फोन को डिटेक्ट कर लेगा और आपका फोन जो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरीके की पेटेंट सैमसंग ने फाइल किए और आने वाले समय मुझे लगता है कि जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें ऐसी भी चार्जिंग वाले टेक्नोलॉजी वो सैमसंग की तरफ से वो देखने को मिल सकती है। तो Xiaomi का Mi Mix 2S हम सभी लोगों को पता है कि कल ये स्मार्टफोन जो वो चाइना के अंदर ऑफिशियली जो वो लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर हम सभी लोगों को पता चल जाएगा कि फाइनली ये स्मार्टफोन इस बार हमारे लिए क्या लेके आएगा। हालांकि स्नैपड्रैगन 845 तो कंफर्म हो ही गया था और इसके अंदर जो डिजाइन थी वो भी रिसेंटली एक पोस्टर लीक हुआ था, उसमें भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया था। अब बताया जा रहा है कि Xiaomi का जो Mi Mix 2S आएगा उसके साथ में दो और प्रोडक्ट Xiaomi वहां पे लॉन्च करेगा। यहां पे अब ये नहीं बताया जा रहा है कि दोनों जो प्रोडक्ट होंगे वो कौन से होंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट यहां पे आया था कुछ रेंडर्स के अंदर जो कि Xiaomi का Mi Mini स्पीकर एडिशन होगा, एक स्पीकर होगा और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हमें नहीं पता कि ये यहां पे जो वो क्या होगा। तो देख लेते हैं कि यहां पे Xiaomi के Mi Mix 2S आता है, इसकी प्राइस क्या होती है और यहां पे जो दूसरे दो प्रोडक्ट आते हैं ये भी क्या होगी, ये तो कल आप लोग को पता चल जाएगा। UIDAI ने फाइनली यहां पे अनाउंस कर दिया और बता दिया कि 1 जुलाई 2018 से हम सभी लोग जो भी आधार कार्ड यूज करते हैं उसके अंदर हम जो बायोमेट्रिक्स देते थे अब यहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए देते थे। अब ये बताया जा रहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर जो वो आने वाला है जिसके अंदर फेस के जरिए ही वो बायोमेट्रिक चीजें जो वो लेंगे। अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनके फिंगर में जो कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रॉपरली फिंगरप्रिंट नहीं आती है और जो ओल्ड एज होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जहां पे फेस का इस्तेमाल करके आपके बायोमेट्रिक्स डिटेल जो वो ली जाएगी। जी हाँ, ये 1 जुलाई 2018 से लागू होगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके जो फिंगरप्रिंट स्कैनर देने में प्रॉब्लम होती है, फिलहाल के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपडेट लेके आए हैं। तो OnePlus 6 के यहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट जो वो सामने आया, एक हसन कैमक करके यूजर है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यानी कि रेंडर देखेंगे आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है, जहां पे ये डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि ये एक्चुअली में रियल है या फिर उन्होंने जो वो बनाया है। अभी आप देखेंगे इसके अंदर आप लोगों को OnePlus 6 दिखाई दे रहा है जो प्रीवियसली जो लीक और रूमर्स आ रहे थे उससे मैच कर रहा है। आपको सामने की तरफ यहाँ पे एक नॉच दिखाई दे रहा है, वही एक रूमर आ रहा था कि आपको एक आईफोन 10 टाइप नॉच मिलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक ग्लास बॉडी मिल रही है जो कि कर्व्ड है और साथ में जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर दिख रहा आप देखेंगे थोड़ा सा चौड़ा और ओवल शेप का आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। डुअल कैमरा आपको देखने को मिल रहा है और साथ में एक पिक्चर आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको जो इसके अंदर पोर्ट दिखाई दे रहा है आपको सैडली यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक जो देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरीके चीजें यहाँ पे जो वो दिखाई जा रही है। तो यहाँ ये नहीं पता कि OnePlus 6 जो आएगा उसके अंदर हमें 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ डिजाइन इस तरीके का होगा जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो लीक और रूमर से ही बेस्ड होता है। तो ये अभी तक का मुझे लगता है कि सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट OnePlus 6 का हमारे सामने जो वो आया है। तो Huawei की तरफ से यहाँ पे खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि रिसेंटली यहाँ पे Huawei ने Serene Labs के साथ में जो वो पार्टनरशिप कर दी है और अपना एक क्रिप्टो करेंसी यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन आएगा जहां पे कुछ एप्लीकेशन इनबिल्ट ऐसे बेस्ड होके जिसके जरिए आप क्रिप्टो करेंसी वाले काम कर सकते हैं, उसके अंदर आपको डेडिकेटेड वॉलेट मिलेगा और जो भी ट्रांजैक्शन आप चाहते हैं जैसे कि हम रिसेंटली यहां पे करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे के सारे फीचर्स आपको उस स्मार्टफोन के अंदर जो अवेलेबल मिलेगी। जी हां, वो जिस तरीके का फोन Huawei यहां पे जो वो लॉन्च करने वाला है Serene Labs के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए, और ये भी बताया जा रहा है कि Huawei का जो अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन आने वाला है Huawei का Mate 11, यहां पे उन्होंने जो Qualcomm के साथ में पार्टनरशिप कर दी और इसके अंदर आप लोग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो वो देखने को मिलेगा। जी हां, Qualcomm भी अपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है जिसके अंदर आप लोगों को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेंगे जो कि यहां पे 2019 की स्टार्टिंग से हमें जो मिलेगा। तो Huawei यहां पे काफी अच्छा काम कर रहा है और Huawei की तरफ से हमें बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स भी मिलेंगे जो एक काफी नई टेक्नोलॉजी में जो वो जा रहे हैं। तो यहां पे WhatsApp की तरफ से खबर आ रही है और बहुत ज्यादा अपडेट हमें जो वो WhatsApp में देखने को मिल रहा है क्योंकि Facebook यहां पे बहुत ही मेहनत कर रहा है और इंडिया के अंदर WhatsApp की काफी एक्टिव यूजर्स हमें देखने को मिलते हैं। रिसेंटली यहां पे Facebook के ऊपर जो वो पेमेंट एप्लीकेशन आया था जो काफी लोगों का काम आसान कर दिया था, उसके बाद यहां पे WhatsApp ने UPI कोड का भी फीचर डाला था जिसके अंदर आप लोगों को चैट के अंदर ही पेमेंट भेजने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली UPI कोड डाल के ही पेमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे WhatsApp के अंदर आप लोगों को QR कोड वाला फीचर मिल रहा है जो कि आप डायरेक्टली QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट वगैरह भी जो वो कर सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल के लिए बेटा मोड में है, 2.18.93 के अंदर है, आप यहाँ पे अगर बेटा यूजर है तो आपको ये अपडेट आ जाएगा, लेकिन ऑफिशियली ये अपडेट धीरे धीरे आप लोग को WhatsApp में जो देखने को मिल जाएगा। तो आज की टेक्नोस पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक्नोस पसंद आएगी, अगर आपको पसंद है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक्नोस आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।